सेकेंड स्टमक के अंदर होता है एंड थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इनके अंदर जो है मेनली जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, बट इससे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि डाइजेशन होता क्या है। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है लार्ज फूड मटेरियल या फिर लार्ज फूड पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स के अंदर अगर कन्वर्ट हो रही है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर कन्वर्टिंग इनटू सिंपलियर फूड पार्टिकल्स और सिंपलियर फॉर्म ऑफ फूड, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ऑलराइट, सो अब सबसे पहले देखते हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी। जो भी अपन ने खाना खाया, खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। दैट स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। माल्टोज और डेक्सट्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। अगर आपको याद हो तो अपन ने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड जो है म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकस के अलावा जो है वाटर भी सीक्रेट करती है, साल्ट्स भी सीक्रेट करती है और विटामिन भी थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर सलाइवा के अंदर होती है। इसके अलावा वो एमाइलेज एंजाइम भी सीक्रेट करती है, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम भी सीक्रेट करती है। तो जो एमाइलेज एंजाइम है दिस इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड एंड दैट एमाइलेज एंजाइम इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो भी अपन ने खाना खाया था, खाने के अंदर स्टार्च था, स्टार्च जो है दिस इज कन्वर्टिंग इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। और जो सलाइवा होता है उसका पीएच लगभग 6-7 होता है। इसका पीएच कितना होता है, 6-7 के बीच में होता है और इसी के अंदर जो है एमाइलेज एक्टिवेट होता है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलियर फॉर्म माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। फर्दर आगे चलकर अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिस माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो भी अपन देखने वाले हैं किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले बकल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, बकल कैविटी के अंदर केवल एक ही चीज का डाइजेशन होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी किसका डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का। बहुत ही कॉमन है, पूछ लेते हैं कि बकल कैविटी के अंदर किसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एमाइलेज। पीएच कितना चाहिए होता है, लगभग 6-7। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। इसके बाद में हम बात करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। सो अगर ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर अपन थर्ड बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर अपन देखने वाले हैं कि स्टमक के अंदर, स्टमक की जो अंदर वाली होल थी जो कि अपन ने उसके अंदर एनाटोमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखी थी कि स्टमक की अंदर वाली जो होल है उसके अंदर ग्लैंड्स पाई जा रही है। नंबर वन इज द पाइलोरिक ग्लैंड एंड नंबर सेकंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर दो ग्लैंड्स पाई जा रही थी, पाइलोरिक एंड गैस्ट्रिक। ओके, पाइलोरिक ग्लैंड तो जो है क्या सीक्रेट कर रही थी, म्यूकस। पाइलोरिक ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही थी, म्यूकस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इनके अंदर एक तो जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं, जाइमोजन सेल, और एक पाई जाती है ऑक्सैल्टिक। तो जाइमोजन जो है वो ऑक्सैल्टिक सेल्स जो है क्या सीक्रेट करती हैं, एचसीएल सीक्रेट करती हैं। और जाइमोजन सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजिन। जाइमोजन क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजिन। ऑक्सैल्टिक सेल्स आर सीक्रेटिंग एचसीएल एंड जाइमोजन सेल्स आर सीक्रेटिंग पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, किसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो जो पेप्सिनोजिन सीक्रेट हो रहा है जाइमोजन सेल से, नाउ दिस विल बिकम एक्टिव। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिनोजिन इज सीक्रेटेड बाय जाइमोजन सेल्स, दिस विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल। HCl किसके थ्रू सीक्रेट हो रहा है, ऑक्सैल्टिक सेल्स के थ्रू, राइट। और ये ऑक्सैल्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स किसका पार्ट है, गैस्ट्रिक सेल्स का पार्ट है, सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट है ये।
तो पेप्सिनोजन सिक्रेट हो रहा है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल। अब जो भी स्टमक के अंदर प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट तो कहां पे डाइजेस्ट हो रहा था, बकल कैविटी के अंदर। प्रोटीन का डाइजेशन जो है स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन जो है दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीएज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये स्मॉलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीएज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन और एचसीएल। किसके प्रेजेंस के अंदर, ये पेप्सिन और एचसीएल की प्रेजेंस के अंदर जो है ये प्रोटीएज, पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन है, दैट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन एंड पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय एचसीएल, राइट। इसके बाद में अपन ने देखा है कि बकल कैविटी के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट हो गया है और स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया है। बट इसके अलावा जो बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध के अंदर जो है एक प्रोटीन होती है, नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज केसीन, नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज केसीन। और केसीन के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एंजाइम इज रेनिन। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, रेनिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये कभी भी एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता है, ये उनके स्टमक के अंदर प्रोरेनिन की फॉर्म में पाया जाता है। किसकी फॉर्म में पाया जाता है, ये प्रोरेनिन की फॉर्म में। दिस प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन की प्रेजेंस के अंदर प्रोरेनिन जो है रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो भी कैसिन प्रोटीन थी, कैसिन इज अ काइंड ऑफ मिल्क प्रोटीन। कैसिन जो है, नाउ दिस कैसिन इज कन्वर्टिंग इनटू पैरा कैसिन। कैसिन किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, पैरा कैसिन के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। किसकी प्रेजेंस के अंदर, रेनिन की प्रेजेंस के अंदर। अभी जो पैरा कैसिन है, पैरा कैसिन जो है कैल्शियम पैरा कैसिन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर पैरा कैसिन जो है, कैल्शियम पैराकैसिनेज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम पैराकैसिनेज जो है पेप्सिन की प्रेजेंस के अंदर पेप्टोन्स एंड प्रोटीएज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो मिल्क प्रोटीन थी, कौन सी, कैसिन, फाइनली इट इज कन्वर्टिंग इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। और ये पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस जो है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन बेसिकली कहां से स्टार्ट हो गया था, स्टमक से। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया था, बकल कैविटी से। बच्चों के अंदर जो है, बच्चे दूध पीते हैं तो दूध के अंदर एक अलग से प्रोटीन पाई जाती है कैसीन। और कैसीन जो है दिस इज डाइजेस्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। लेकिन इसके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एंजाइम इज रेनिन। रेनिन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है, इसके एक्टिवेशन के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन द प्रोरेनिन कन्वर्ट इनटू रेनिन। ऑलराइट, दैट वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड स्टमक, बकल कैविटी एंड स्टमक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में बात करेंगे अपन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बकल कैविटी और इसके अलावा स्टमक के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसे ही अपन देखते हैं कि जो भी बोलस था, बोलस अब स्टमक के अंदर आ गया है। स्टमक के अंदर आने के बाद में उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मिल जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स मिलने के बाद में नाउ दिस बोलस इज नोन एज काइम। क्या बोलते हैं इसको, कायम। खाया तो अपन ने खाना था, बकल कैविटी के अंदर बोलस हो गया, स्टमक के अंदर ये क्या हो गया है, कायम हो गया है। ऑलराइट, आगे चल के अपन देखेंगे कि कायम भी काइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये फूड की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ऑलराइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डाइजेशन। इसके बाद में आपको बताइए, विल टॉक अबाउट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।